जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। देश में एक थाना हो, दोषियों को विलंब गिरफ्तार हो, दोषियों को विलंब गिरफ्तार हो, मुखिया जी को सुरक्षा दो। नमस्कार, न्यूज ऑन एशियन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एक बार फिर से मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इतना ही नहीं, कई राउंड फायरिंग भी की गई है। बता दें कि बदमाशों ने मुखिया के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कार्यालय के साथ साथ स्कॉर्पियो भी जलकर राख हो गई। तो ये बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे कार्यालय जलकर राख हो गया। वहीं कार्यालय में रखा स्कॉर्पियो गाड़ी भी पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया है। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की है और मौके से फरार हो गए। बता दें कि घटना का वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। घटना मुफसिल थाना इलाके के भदास की है। इन सब के बीच घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने बछौता चौक के पास खगड़िया अलौली सड़क मार्ग को जाम भी कर दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। तो बड़ी खबर ये बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। खगड़िया की है ये घटना, जहां पर कई राउंड फायरिंग भी बदमाशों की तरफ से की गई है, जिसके बाद मुखिया के कार्यालय को आग के हवाले भी कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मुखिया पूजा कुमारी का, किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, और साथ ही साथ प्रदर्शन करने वाले संजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, और मुफसिल थाना खगड़िया के SHO ने JB यादव ने क्या कुछ इस संदर्भ में कहा है, आप पहले इन सभी लोगों की बातों को। शपथ ग्रहण लेके आए हैं प्रखंड ब्लॉक से, और हम 2 बजे रात शायद 1:30 बजे हमर को धमकी पूरा मतलब दे रहे थे, क्या आपको मुखिया जी हम मार देंगे। हमको 3-4 फायर किया, हम पे मतलब गाली दिया, गंदा मुसरनी क्या कर लेगी, सदा ये क्या कर लेगी, बोल रहा था साहब। फायरिंग किया तो दोनों जीव हम सोए हुए थे, दोनों जीव हम भागे तो मेरे स्कॉर्पियो को आग लगा दिया, मेरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़का। हम कल सदर प्रखंड ब्लॉक से आए थे शपथ ग्रहण लेकर हम दोनों आए, और ऑफिस में सो गए तो वहीं चला चलो आज मार देंगे। ब्लॉक में बोला था विरोधी दल जो मुखिया नहीं बना है, वही बोला चलो आज मार देंगे दोनों जीव। तो हम सोचे हो ऐसा बात नहीं होगा, मुंह से बोला है तो कोई बात नहीं होगा। हमने दोनों जीव सोए थे, करीब करीब 1:30 आस पास आया, अंधाधुंध फायरिंग किया। मेरा S7 स्कॉर्पियो ब्लैक 1 साल हुआ लिए, वो जला दिया, मेरा ऑफिस का जला दिया, और पलंग उलंग हम दोनों जीव पीछे होकर भाग गए। सर यही है कि प्रशासन से यही मांग है और DM साहब से SP साहब से, हम लोग को सुरक्षा होना चाहिए और अवलंब जो मुदाल जो है ये अपराधी तक था उसका सर गिरफ्तारी होना चाहिए, और एक हमारा थाना होना चाहिए मसलेटा में जो कि हरदम गोलीबारी होते रहता है। हाल फिलहाल भी SSP वाला को मार दिया, इसके बाद एक और कुछ दिया हो गया, यही लेकर सर थाना जरूरी है। आग को पर काबू पाया, उसके बाद उसे नाम पता पूछे कौन है नहीं है, उन प्राइवेट ने अपना बताए, उस अनुसार मैं गिरफ्तारी भी करके थाना पर ले गया हूँ। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक गिरफ्तारी है, बाकी जो नाम आया है उसमें जो हम लोग पूरा छापामारी कर रहे हैं। कितने वाहन को जलाया? नाम अभी 2 आ रहा है ना। कितने वाहन को जलाया गया है? एक वाहन है स्कॉर्पियो। अच्छा, फायरिंग भी हुई है? नहीं, फायरिंग की घटना तो भी नहीं बताए हमको, तो कोई पब्लिक घटना का क्या वजह है? जैसा बता रहा है कि कल उप मुखिया का चुनाव था, उसी लेकर आपस में दोनों में अपना
अच्छा, मतलब चुनावी रंजिश में ये घटना हुई है। पुलिस आगे क्या कर? बिहार में अपराधी अपने चरम पर है, और अगर हम बिहार के मुखिया की बात करें तो लगातार कई ऐसी खबरें सामने आई है जिसमें मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई नव निर्वाचित मुखिया की हत्या भी की जा चुकी है। बता दें कि चुनावी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तो बड़ी खबर खगड़िया से, जहां पर एक बार फिर से मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।